राजू श्रीवास्तव जी को कॉमेडी या राजनीति? कॉमेडी। हाँ, वो बात अलग है कि राजनीति में भी लोग कॉमेडी कर रहे हैं किसी से बताना नहीं। मैं अगर कानपुर के इस मोहल्ले से किदवई नगर नया पुरवा से निकल के आज अगर पूरी दुनिया में मुझे प्यार मिलता है तो इसका जो मेरा मलमूत्र है मूल मंत्र है वो ये है कि जिंदगी में ऐसा काम करो, जिंदगी में ऐसा काम करो ऐसा। कि लोग कहें भैया तुम रहने दो हम कर लेंगे हम खुद ही कर लेंगे भाई। एंड अब मैं आपसे रैपिड फायर ओके पूछूं? पूछिए ओके। और डरते का किसी से? ओके, राजू श्रीवास्तव जी को खाने में तंदूरी रोटी या रुमाली रोटी? रुमाली रोटी। क्यों? रुमाली रोटी अच्छी रहती भाई साहब, आप भी रुमाली रोटी लिया करो। रुमाली रोटी में आसान ये रहता है, आधी खा लो आधी मुंह पोछ। अच्छा, राजू श्रीवास्तव जी को कॉमेडी या राजनीति? कॉमेडी। हाँ, वो बात अलग है कि राजनीति में भी लोग कॉमेडी कर रहे हैं किसी से बताना नहीं इनको पहले से पता, कह रहे हैं। अच्छा, हमारे मन की बात कह दी ये तो। राजू श्रीवास्तव जी के फेवरेट गजोदर भैया मनोहर भैया? मनोहर भैया, क्योंकि मनोहर नाम में यूज करता था अपने जोक में। अच्छा। जब मैं छोटा था। हाँ। जब मैं शुरू में मेरे ऑडियो कैसेट आते थे। अच्छा। तब ये इतने सारे चैनल्स नहीं थे और डीवीडीज वगैरह नहीं आती थी। हाँ। तो तब मैं मनोहर नाम का इस्तेमाल करता था। हाँ। लेकिन गजोधर नाम मैंने जब इस्तेमाल किया अपने चुटकुलों में तो उससे फेमस हुआ। अच्छा। तो दोनों आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ओके, राजू श्रीवास्तव जी को आम पसंद है या तरबूज? मैं दोनों कहानी बता रहा हूँ मैं जवाब। वैसे आम, लेकिन मैंने परेड में पिछले दिनों मैंने एक फल वाले को पकड़ा। हाँ। आम के ठेले लगाया था। हाँ। और चादर उठा के नीचे आम के इंजेक्शन लगा रहे हैं। हमने कहा अच्छा केमिकल, पकड़ा उसको। हमने इंजेक्शन लगा रहे आम को, अरे साहब गलत ना समझो साहब, लंगड़ा आम ताकि चल पाए, पोलियो का लगा। अब तो मेरा सबसे निवेदन है इनको लंगड़ा आम मत को, इनको दिव्यांग आम कहा। और तरबूज को लेके मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? मैं यहाँ के नगर निगम से और कलेक्टर से पूछना चाहता हूँ कि ये तरबूज कानपुर में अगर थोक में लेना है तो ये रेलवे क्रॉसिंग में क्यों दिखता है? सेटिंग है वो, क्या रेलवे वालों की दुकान है क्या? जुगाड़ बेटा ये वहाँ। तो ऐसे है राजू भैया, राघव से मिलके कैसा लगा? राघव बस वो असम था वो अच्छा ही था, यही तो बात थी वो। सो राजू श्रीवास्तव जी से थैंक यू रेडियो सिटी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मैं इस वक्त अपने कानपुर के उस घर में हूँ जहाँ मैंने जन्म लिया। हाँ, आपको थोड़ा सा ही दिखाऊंगा मैं, उधर एक फोटो दिख रही होगी आपको राजू भैया की। हाँ। तो रेडियो सिटी से फोन आया तो मैंने आपको बुला लिया। हाँ। और मैंने चाय वाय भी पिलाई है। चाय पिलाई है, नाश्ता भी करा, नाश्ता भी कराया। मैं ध्यान रखता हूँ, तो आप लोग भी आइए कभी। ऐसे कह रहा हूँ ये आसान था। पीछे किशोर दा की तस्वीर दिख रही है, मेरे ये सारे फेवरेट हैं। हाँ। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता नहीं है, सबसे सबसे नीचे जो है ये। हाँ। पहली फोटो है महमूद, महमूद साहब अपने सबसे बड़े कॉमेडियन। हाँ। और ऊपर किशोर कुमार, किशोर कुमार, किशोर कुमार जो सिंगर बहुत बड़े हुए। हाँ, फिर कॉमेडी एक्टर बहुत कॉमेडी एक्टर। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने किशोर कुमार के साथ भी शो किया। यस, ये बताने जा रहा था मैं। और किशोर कुमार के ऊपर मैंने रखा है अमिताभ बच्चन, उनके साथ तो आपकी तस्वीर। अमिताभ बच्चन तो मेरे गुरु हैं, उन्हीं को फॉलो कर करके, उनकी मिमिक्री कर करके आज मैं यहाँ पहुँचा। और सबसे ऊपर आप ये मैं बताऊँ, ये मेरे पिताजी की फोटो है। अच्छा। हाँ, रमेश चंद श्रीवास्तव भलई कभी भी थे। हाँ, तो भलई काका के नाम से वो कविता करते थे, कविता। तो शायद उन्हीं का कोई अंश, उन्हीं का जीन्स मेरे अंदर आया होगा। अरे वो कमाल का है, वो कमाल का, ठीक से आया ना? अरे बहुत ठीक से। और ये कॉमेडी के दुनिया के सरताज हैं। हाँ। चार्ली चैपलिन, चैपलिन जिसके आगे सारे कॉमेडियन झुकते हैं। झुकते हैं। तो राजू श्रीवास्तव जी को पूरे कानपुर की तरफ से
बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी ऑल द बेस्ट। जैसे हम कहते हैं सिटी के सितारा हैं आप, आपके नाम से तो सिटी जानी जाती है, आप ऐसे ही चमकते रहो। अपने साथियों के नाम लेना भूल गया, जैसे कि जॉनी लीवर को मैं बहुत पसंद करता हूँ, और आज के दौर में जैसे कपिल इज डूइंग वेरी वेल, और अभी थोड़ा बीमार है, भगवान करे वो स्वस्थ हो जाए, अच्छा हो जाए। मुझे एकदम बड़े भाई की तरह ट्रीट करता है। गुत्थी कमाल का टैलेंटेड है। और भारती को मैं ज़्यादा नंबर इसलिए देता हूँ क्योंकि अपने देश में कोई फीमेल कॉमेडियन नहीं बनना चाहती। तो वो नंबर वन है भारती, नंबर वन इसलिए है क्योंकि वो अकेली है। भारती से 40-45 साल पहले एक कॉमेडियन हुई टुनटुन, और उनके बाद इतने लंबे गए बाद सीधा भारती, इसलिए भारती। तो राजू भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया, अपने उस घर में बिठाला जहां आप खेल कर बड़े हुए। मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगा नहीं, दिल से बोलो। रग रग में कानपुर सिटी, एक बार इस खुराफाती के रग रग में कानपुर सिटी, और मेरे भी।